फ्रेंड्स वेलकम टू प्योर पसंद चैनल। तो आज के काली पुजो हमें खिचुड़ी बना खिचुड़ी अनेक प्रिपारेशन कर नहीं एक देख तो आसन देखिए अलरेडी हमारे कड़ाई तरकारी चेपे गे तो कड़ाई अलरेडी खिचुड़ जो ये तरकारी से रेडी कर देख एर मध्य आ फुलकपी आने कॉलीफ्लावर आ कैरेट आछे माने गाजर आछे काचा लंका आछे एछाड़ा एकटु बीन्स आछे बीन्स दिएछि एकटु आर आलू दिएछि आर टमेटो दिएछि तो समस्त किछु मिलिए आमी फुलकपी माने खिचुड़ीर जोन्नो आमी तरकारीटा रेडी करछि। एर मध्ये आमी नून हलुद जिरे धने अर्थात क्यूमिन पाउडार कोरिएंडार पाउडार टार्मारिक सल्ट एगुलो आमी दिएछि दिए आमी सानफ्लावर अएले खूब भालो करे कषिए निच्छि एटा तो कषानो आमार होये एसेछे प्राय आर एदिके रेडी होच्छे खिचुड़ी खिचुड़ीर जोन्नो आमी चाल आर मुग डाल माने पालसेस एंड राइस एकसंगे करे आमी भालो करे धुए बसिए दिएछि। एखाने प्राय तीन कौटोर मतन चाल डाल आछे डेढ़ कौटो चाल डेढ़ कौटो डाल एइभाबे मापटा करेछि करे तो एटा होये एसेछे आर तरकारीटाओ आमार प्राय रेडी हो गेछे तो एबारे आमी एटा निये खिचुड़ीर संगे मिशिए देव तो गैस अफ करे दिलाम एदिकेर गैस तरकारीर गैस एटा निये आमी एबारे खिचुड़ीर मध्ये दिते थाकब माने चाल डालेर संगे एबारे एटा एकसंगे फुटे सुंदर एकटा खिचुड़ी तैरी होबे। नामानोर आगे आमी अवश्यई एते एकटु गरम मसला और घी एड करब खूब भालो खेते हय सब्जी दिए अनेक रकमेर सब्जी दिए खिचुड़ी खेते तो आज के आमी ओइजन्य फुलकपी गाजर बीन कड़ाई आलू काँचा लंका टमेटो एगुलो दिए आमी खिचुड़ीर जन्य तरकारीटा प्रिपेयर करेछि आर एछाड़ा आमी संगे खिचुड़ीर संगे खावार जन्य आमी पापड़ भेजेछि बेगुन भेजेछि आर गोल गोल करे आलू भेजेछि सेटा खिचुड़ीर संगे खाबो बोले। तो आज के काली पुजो उत्सवेर दिन दीपावली तो निरामिष खावा दावा तो ओइजन्ने खिचुड़ी पापड़ भाजा बेगुन भाजा आलू भाजा एगुलो खेते खुबी भालो लागे निरामिष आइटेम खेतेओ खूब सुंदर। এবারে এটা আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে দেব নেড়েচেড়ে খিচুড়ি বেশিরভাগ সময় ডেচকিতেই খুব ভালো হয় তো আমি এই জন্য ডেচকি ব্যবহার করছি খিচুড়ি রান্না করার জন্য। মিশিয়ে দিচ্ছি তরকারিটা খুব ভালো করে নামানোর আগে আমি এতে অবশ্যই ঘি আর গরম মশলা অ্যাড করব তো খুব সুন্দর সেন্টও হবে খেতেও খুব ভালো হবে। তো থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস আপনারাও এরকম রান্না করতেই পারেন নিরামিষ আইটেম খিচুড়ি সঙ্গে আলু ভাজা বেগুন ভাজা পাপড় ভাজা এবং অনেক রকমের ভেজিটেবলস দিয়ে খিচুড়ি রান্না করলে খেতে খুব উপাদেয় হয় এবং এটা খুব হেলদি খাবার খুব ডিলিশিয়াস খাবার। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস।